शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। भाई कुंडा पेठा राउडी राघवन DTMS बोला DTMS हाउ डे टाइम मर्डर स्पेशलिस्ट। मगर पहलवान ये सब लेकर तुम मेरे पास क्यों आए हो? तुम इसना वकील कत्ल करने वाले को बचाते ही ना भाई हम इस कत्ल कर को लाश ले को खंजर ले को तुम्हारे घर आया हूं। मेरे को अभी इधर की इधर फांसी के फंदे से बचाओ भाई। मगर पहलवान मैं तुमको कैसे बचा सकता हूँ? बचाने के लिए मुझे कोर्ट के अंदर केस लड़ना पड़ेगा भाई। भाई नको बोला, मैं कोर्ट फोर्ट नहीं जाता। तुम इस मेरे को इधर ही बचाओ। कोर्ट में जाने को मेरे पास टाइम नहीं है भाई, क्योंकि मेरे को 5 खूना और करके सब लाशा इधर ही लाने का। आज खून? अरे बाप रे, कोई और वकील ढूंढ, मेरे पास टाइम नहीं है। शास्त्री जी। यस बॉस। पहलवान ये है सुप्रीम कोर्ट के वकील, ये लड़ेंगे तुम्हारा केस। जो केस मैं लड़ता हूँ उसका तो सत्यानाश हो जाता है, तुम इनसे लड़वा लो। नको बोला। तुम इस मेरे को बचाओ जी, नहीं तो एक बार मैं इसको फिराया तो तुम्हारा मुंडी उड़ को बाहर मोहल्ला में गिरेगा। उधर पोटे लो तुम्हारा मुंडी को फुटबॉल समझ कर लाता मारे। छोड़ दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पांव पर। क्या कर रही हो माँ? शांति, ये आवाज तो गुरु की है। गुरु की आवाज ही नहीं बल्कि थोबड़ा भी गुरु का है। क्या माँ, कितनी मुश्किल से ये ड्रामा तैयार किया था, तुमने उस ड्रामे की टांग पकड़ के टांग ही तोड़ डाली। ये ड्रामा तैयार किया था जी, और वो लाश किसकी है? लाश हाँ। ओ लाश लाश इंगे वा इधर आओ। यस हाँ। ये कौन है बेटा? मैं इनके नए नाटक की हीरोइन हूँ, तारा। आज जमीन का तारा, कल आसमान का तारा। देखा, इसे कहते हैं आर्ट, एक्टिंग, अदाकारी, फनकारी, हिदायतकारी। अभी बनाता हूँ तेरी फनकारी। मुझे बचाओ। क्या करते हो? बस करो, इतना बड़ा बेटा हो गया उस पर हाथ उठाते हो? अरे नहीं तो ये मुझे दुनिया से उठा देगा, निकम्मा जोकर, किसी काम का नहीं। हाँ। अरे काम करने का मौका तो दीजिए, निकालिए 2,000 रुपए, फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। एक ऐसा नाटक करूंगा जो जमाने को हिला के रख देगा। अपनी अदाकारी के वो जौहर दिखाऊंगा कि बस। जिस गली से आप निकलेंगे, छोटा बड़ा, औरत मर्द, बूढ़ा जवान, जमीन आसमान, हैवान शैतान कब्रिस्तान, सबके मुंह से एक ही आवाज निकलेगी, एक मामूली वकील का बेटा। स्टेज का बादशाह, एक मामूली वकील का बेटा। स्टेज का शाहिनशाह, एक मामूली। अरे मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। एक मिनट, क्या कहा आपने? मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। नहीं देंगे। माँ, अगर मैं ये ड्रामा ना कर सका तो ये खून का ड्रामा मैं असल में बदल दूंगा। ये गंडासा मैं अपनी गर्दन से लगाता हूँ और हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाता हूँ। नहीं बेटा नहीं, 2,000 रुपए के लिए क्यों मेरे बेटे की जिंदगी से खेल रहे हैं? अरे ये नाटक खेलने वाला क्या जिंदगी से खेलेगा? ये बात है तो चला गंडासा। नहीं बेटा नहीं, अजी दे दीजिए ना 2,000 रुपए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, मेरी गोद मत उजाड़िए, मेरी गोद। अरे क्या मुसीबत है, ये नाटक खेल रहा है और तुम्हारी गोद उजड़ रही है। अभी लाता हूँ।
आजकल की दुनिया में इश्क भी तो ये मुसीबत कहां से चली आई? अरे बिजली, तू क्यों यहाँ चली आई? बहुत दिनों से ये चांद सा मुखड़ा कोठे को चमकाने नहीं आया, इसलिए मैं खुद दीदार करने चली आई। अच्छा, तो बुढ़ाओ भी दिल फेंक है। हाँ भी तो फौरन यहाँ से चली जाओ, नहीं तो कहीं किसी ने देख लिया तो मेरा फजीता हो जाएगा। बेटी नहीं तो चलो बुढ़ाओ की खींचते हैं क्या? तो फिर चुपके से 6 महीने का खर्चा ढीला करो, वरना खड़े खड़े इस फरिश्ते को शैतान बना दूंगी। लगता है बिजली कड़की। कड़की तो नहीं, जिस दिन ये बिजली कड़की ना, सारी वखार को जलाकर राख कर देगी मियाँ। ऐसा मत कहो बिज्जू, अब तुम यहाँ से चली जाओ, मैं फौरन पैसे भिजवा दूंगा। बेहतर होगा, आधा बर्ज़े। आधा बर्ज़े। तुझे तो जूतों के हार पहनाने चाहिए, इतना गंदा नाटक किया कि लोगों के सामने मेरा सर झुक गया। अधिक होते हैं फल जिसके, झुका करती है वो डाली। बदतमीज, मजाक उड़ाता है मेरा। क्षमा कर दीजिए पिताजी, क्षमा कर दीजिए, पुराना हिसाब किताब भूल जाइए, एक नया खाता खोलते हैं, 3,000 रुपए निकालिए, एक और नाटक करते हैं, द्रौपदी का वस्त्र हरण। बेशरम, मैं तुझे एक पैसा नहीं दूंगा, निकल जा मेरे घर से और डूब मर चिल्लू भर पानी में। माँ, क्या हुआ बेटा? देखो माँ, ये बेमुरव्वत संसार एक महान कलाकार को खुदकुशी करने पे मजबूर कर रहा है। अरे खुदकुशी करे तेरे दुश्मन, तेरी माँ अभी जिंदा है। बस माँ, तुम्हारे ये प्यार भरे डायलॉग सुनने के लिए मैं जिंदा हूँ, वरना इन चंगेज खान को तो देखा देखा तुमने? सब देख रही हूँ, आप इधर आइए। आप शादी से पहले क्या थे? पता लिया ना? चुप। अजी राय साहब ने अपनी पोती के लिए जवाब मांगा है ना? अरे मैं तो भूल ही गया। मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे बच्चे, आई एम प्राउड ऑफ यू। आई सीन चेंज, यानी कि साजिश। बेटे तू 3,000 रुपए की बात कर रहा है ना, मैं तुझे 1,00,000 रुपया दूंगा। 1,00,000? जरूर किसी विलन की चाल मालूम पड़ती है। नहीं बेटे, इसमें कोई चाल नहीं, मैं तुझे 1,00,000 रुपया दूंगा अगर तू एक लड़की को इस घर में बहू बनाकर लेकर आए। हाँ, मतलब ये कि 1,00,000 रुपए देकर आप मेरे कुंवारेपन का सौदा करना चाहते हैं? ठीक है, मुझे आपका सौदा मंजूर है। बेटे मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। लेकिन मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। इन्नद, तुम जहर का पैसा हमको वापस क्यों करता जी? ये देखिए मेरा बाप शराबी। शराबी, कल रात को सोने के बाद जो शराब पीनी शुरू की है, तो आज सवेरे उठने से पहले तक पी रहे थे। शेमलेस फादर। ओ नहीं शराब, फुल डे ऑल्सो शराबी। तुम्हारा तकदीर में खराबी, तुम्हारा ससुरा शराबी। तो आप अपने नोट नापिए। हाँ नापता है, तुम अपना रास्ता नापो जी। रास्ता नापता है? रास्ता नापने का ना दो, ऐसा नापते रास्ता। एक दो दो। अब हमारा क्या होगा बेटी? ये खाना हमको भी खाना पड़ेगा। और क्या, हर चीज तैयार है। और ये रोटी बन गई, ये देखो। और मैंने वो मैम साहब राजेश बाबू आए हुए। राजेश, ओ उन्हें बिठाओ। नथुलाल जी, अब मेरे फॉर्मूले का खाना बहुत जल्दी बाहर आना चाहिए। और हाँ, आप पहले एक एक डिश को चखेंगे, फिर टेबल पर खाना लगाएंगे। ओके जी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा। चलो जल्दी से खाना बाहर फेंक दो। अरे टे 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 टे। ओ, कुछ तो बने हुए हैं ना, वो क्यों? अबे अगर कुछ तो नहीं खाना खाया तो उनका क्या होगा? ये गंदा चला। तैयब अली सेठ, तुम मेरा फ्रेंड अकबर को मवाली लोग से मार खिलाए? बॉल हाकी नहीं। हाँ चल इधर। अरे अरे खाना यार हमारा। अरे मुझे चिल्ली पुलिस ले के जाए मेरे मुंह। अरे कोई खबर करो सलमा बेटी, पुलिस को खबर कर दो, कर दो। अरे आइता उतरना नहीं। हाँ पुलिस चल रहा है। अरे पुलिस, अरे जल्दी से पुलिस को फोन करो। अरे जाओ पुलिस को फोन करो। पुलिस अपन तेरा ससुर और एक काजी साहब को पकड़ के लाया, अभी तेरा और सलमा का शादी बनाएगा अभी इसी वक्त फटाफट।
चले काजी साहब स्टार्ट हो जाओ। अरे लंबू भाई मेरी एक बात तो सुनो। हाइट टिंगू तुम्हारा हाइट कितना है? हमारा हाइट 4'4" ही। माई कसम एक हाथ मारेगा 2'2" कर देगा। मगर क्या है आवाज नहीं, आवाज नहीं मांगता। हाँ चल अकबर उठ जा। नहीं अंतुली भाई मैं आज से शादी नहीं करूंगा। अरे क्या भंकस करता है रे ये काजी साहब, दूसरे लोगों का शादी करता होता अपन इसको उधर से उठा के लाया। उठा के लाया कि नहीं काजी साहब? बस इसीलिए तो नहीं करनी चाहता तो मैं भी हाथ उठा सकता था, लेकिन मैं मार पिटाई से नहीं अंतुली भाई, प्यार मोहब्बत से इंसान को जीतना चाहता हूँ। तुम ये फिलोसफी और शराफत का बात अपन के सामने मत करो, अपन बहुत सुना अक्खा जन्म चर्च में सुनता रहा है। तुम अभी बोलो अपन को क्लियर बोलो शादी करने का है कि नहीं? जब तक ये अपनी बेटी का हाथ अपनी मर्जी से मेरे हाथ में नहीं देता तब तक तुम्हें नहीं करूंगा। अरे इसका क्या एक लाफा मारेगा अभी राजी हो जाएगा? ये रे क्या बोलता है रे? देख देख अपन तेरे को लास्ट चांस देता है, उठता है? नहीं बोला ना। तुम अक्का जिंदगी ऐसे ही सड़ता रहेगा ऐसे ही। और ये टिंगू है ना, ये टिंगू अपना लड़की का शादी किसी और के साथ करेगा। फिर अपन के पास आके मत बोलना कि अंतनी भाई अपन मोहब्बत में लुट गया बर्बाद हो गया, नहीं तो अपन तुम्हारा थोपड़ा आबाद कर देगा समझा? और आज के बाद अपन से बात नहीं करने का है। गो टू हेल टिंगू, चलता है? कंट्री में कोई इज्जत ही नहीं है।